कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा व कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अनुस्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया। समारोह में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वह कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व नवीनतम तरीकों को अपनाएं। उन्होंने बताया कि हर साल बजट की अधिकतम राशि कृषि क्षेत्र में व्यय की जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जिले में सिंचाई की सुविधा कम होने के बावजूद विभाग किसानों को चेक डैमों, माइक्रो सिंचाई योजनाओं के माध्यम से कृषि फल तथा सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को हर विकास खंड में किसान जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए। इससे पहले मुख्य अतिथि ने NIT में लगाई गई कृषि उत्पाद एवं उपकरण प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा किसानों की सराहना भी की। वहीं परियोजना अधिकारी PC परमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। कृषि उपनिदेशक विनोद शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी। इससे पहले तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा के पशु विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव उपाध्याय ने अच्छी नस्ल के पशु पालने, रख रखाव, खुराक, खुर मुंह तथा गलगुट्टू रोग व उनके निवारण के बारे में जानकारी दी। वहीं सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर चमन चौहान, कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अंजना ठाकुर ने भी किसानों को जागरूक किया। वहीं विधायक नरेंद्र ठाकुर ने विकास खंड बमसन, हमीरपुर, बिजट तथा बोरंस के साथ किसानों नरेश कुमार, सत्यदेवी, प्रेमचंद शर्मा, संतोष कुमारी, लीला देवी, शमशेर सिंह तथा चंद्रकांता को ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर तथा पावर बिल्डर की खरीद पर उत्पादन के रूप में 6,15,000 रुपए के चेक भेंट किए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा पूरे जिले का किसान सम्मेलन बुलाया हुआ था, और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी एक्सपर्ट्स यहां पर हाजिर थे। माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि आपको भी पता है, इस बार बजट का जो फोकस है ज़्यादा हमारे किसानों की इनकम कैसे बढ़े, किसानों को कैसे जागरूक किया जाए, इस बस विशेष ध्यान रखा है। और बजट का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इस बार एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं किसानों को, इरिगेटेड लैंड मिले, सिंचाई की ओर पूरा ध्यान दिया गया है, डिफरेंट प्रकार के इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है, इवन फ्री में इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड, उसका कितना उपयोग करना चाहिए उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे किसानों को बता रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि लगभग 80% जो भारत की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, तो हम भी चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी, जैसे माननीय मोदी जी का की डायरेक्शन ही समझिए आप, कि किसानों की इनकम दुगनी हो। पिछली सरकार का आपने सबने देख लिया है कि अगर भारतवर्ष में सबसे दयनीय स्थिति है तो हमारे किसानों की है, तो हमारी सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, हम ये चाहते हैं कि जहाँ ज़्यादातर लोग हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं उनकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बढ़े। इसके लिए ये जागरूक सम्मेलन जो था यहाँ पर रखा गया था, लगभग जिला से काफ़ी संख्या में किसान यहाँ हाजिर थे। लगभग 9 लाख रुपया जो है अनुदान के तौर पर किसानों को डिफरेंट इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए आज इस किसान सम्मेलन में हमने बांटे भी, जिनमें डिफरेंट ब्लॉक के सभी जहाँ से किसान आए थे वहाँ से जो पात्र लोग थे उनको ये अनुदान दिया गया।